हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। तो चलिए आइए आज के इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रस्तावना, ऑप्शन सेकंड है मौलिक अधिकार, ऑप्शन थर्ड है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन फोर्थ है संविधान के सभी अनुच्छेद। वैसे इसका आंसर आप सभी लोग जानते ही होंगे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्रस्तावना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा प्रस्तावना पर, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा मूल अधिकारों सॉरी मूल कर्तव्यों पर, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा मौलिक अधिकारों पर और ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व पर। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन फर्स्ट, प्रस्तावना पर। संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष रूप से ध्यान दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो वैसे इसका आंसर तो आप सभी जानते होंगे, आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। ऑप्शन फर्स्ट है लोकतंत्रवादी भारत, ऑप्शन सेकेंड है लोक गणराज्य, ऑप्शन थर्ड है लोक प्रभुसत्ता और ऑप्शन फोर्थ है हम भारत के लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, हम भारत के लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा यह राज्यों का संघ है और ऑप्शन थर्ड हो जाएगा भारतीय नागरिक मूल अधिकारों का प्रयोग करती हैं और ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा यहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहां जो राज्य का प्रमुख होता है वह निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत है एक, वैसे आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर जानते होंगे, यदि आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स पे जरूर टाइप करें। ऑप्शन फर्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ऑप्शन सेकंड है हिंदू राष्ट्र, ऑप्शन थर्ड है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र और ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, ऑप्शन सेकंड है राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, ऑप्शन थर्ड है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना और ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, ऑप्शन सेकंड है बहुसंख्यक समुदायों के धर्म का समर्थन करता है, ऑप्शन थर्ड है अल्पसंख्यक समुदायों के धर्म का समर्थन करता है और ऑप्शन फोर्थ है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन थर्ड है संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य और ऑप्शन फोर्थ है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, ऑप्शन सेकंड है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, ऑप्शन थर्ड है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और ऑप्शन फोर्थ है धर्मनिरपेक्ष व गणतंत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन सेकंड है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन थर्ड है एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य और ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन सेकंड है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ऑप्शन थर्ड है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, और ऑप्शन फोर्थ है, भारत राज्यों का संघ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? साथियों क्वेश्चन सुधार कर लीजिएगा, भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है समाजवादी, ऑप्शन सेकंड है पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन थर्ड है प्रभुत्व संपन्न, और ऑप्शन फोर्थ है लोक कल्याण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, लोक कल्याण, संविधान की उद्देशिका में लोक कल्याण शब्द नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ऑप्शन सेकंड है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, और ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी जो राज्य का अध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है, ऑप्शन सेकंड है उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, ऑप्शन थर्ड है उसका अपना लिखित संविधान है, और ऑप्शन फोर्थ है उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो इसका सही आंसर है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत एक गणराज्य के रूप में इसलिए माना जाता है क्योंकि जहां राज्य का अध्यक्ष होता है उसका निश्चित अवधि के लिए चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न, ऑप्शन सेकंड है सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, ऑप्शन थर्ड है सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, और ऑप्शन फोर्थ है सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी, गणतंत्र। तो साथियों इसका सही आंसर है सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, ऑप्शन सेकंड है एक ईश्वरवाद, ऑप्शन थर्ड है बहुदेववाद, और ऑप्शन फोर्थ है सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो इसका सही आंसर है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? ऑप्शन फर्स्ट है भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, ऑप्शन सेकंड है संविधान का निर्माण जनता के द्वारा हुआ है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो इसका सही आंसर है भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, समाजवाद का अर्थ है, वैसे इसका आंसर आप सभी जानते होंगे फिर भी चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट है सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन सेकंड है राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन थर्ड है सामाजिक न्याय, और ऑप्शन फोर्थ है सामाजिक स्पर्धा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सामाजिक न्याय। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑप्शन फर्स्ट है यूएसए से, ऑप्शन सेकंड है कनाडा से, ऑप्शन थर्ड है जर्मनी से, और ऑप्शन फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया से। साथ ही इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।